अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसा सभी लोग। तो आज छुट्टी का दिन है भाई, हफ्ते का दिन है, तो भाई मैं एक जल्दी सा चूज़ों को भी खोल लेता हूँ, क्योंकि हर हफ्ते को मैं चूज़ों को ऊपर खोल लेता हूँ घूमते रहे, क्योंकि पूरा हफ्ता तो मैं खोल नहीं सकता, क्योंकि चीलों के ऊपर कौन ध्यान देगा, मतलब चीलों के इनके ऊपर ध्यान कौन देगा, वरना चीले उनको उठा के लेके नहीं चले जाए। तो अभी चूज़ों को खोल लेता हूँ, तो भाई घूमते रहेंगे, और तोतों को भी उनको खाना पानी दे देता हूँ, उनको अभी तक मैंने दिया नहीं है। तो चलो भाई फिलहाल चलते, इनको तो फिलहाल मैं खाना पानी दे देता हूँ। सबसे पहले भाई चूज़ों को ऊपर लाके खोल देता हूँ, या तो एक काम करता हूँ, पहले इनका भाई पानी चेंज कर देता हूँ इनका, क्योंकि वहाँ पानी गंदा हो जाता है, हर दिन पानी चेंज करना पड़ता है। वो माशाल्लाह भाई इनकी खुराक भी सही है, वो खाते जा रहे हैं, वो देखो बीज भी इन्होंने खा लिया, बस छिलके फेंक दिए। तो अभी पानी जो ऊपर मैंने तकरीबन जो तोता मरा था भाई, उसकी भाई मैंने छोटी सी कब्र बनाई थी, कहाँ की भाई ये थी, तो इसी में पानी कर देता हूँ भाई उसकी छोटी सी कब्र पर भाई। अच्छा अच्छा जा, तो फिलहाल भाई पानी डाल दिया मैंने, अब एक काम करता हूँ चलता हूँ उनके लिए साफ पानी डालने के लिए। क्या हो गया भाई, क्या हो गया ये दोनों भाई गिरते हैं अभी नीचे, तो पहले उनके लिए पानी लेके आ जाता हूँ। वो बाजरा भी उनका पड़ा हुआ है, बाजरा का छोटे छोटे दाने होते ना भाई, उनके पड़े हुए, पहले पानी ले लेता हूँ भाई उनके लिए। वो चूजे तो हो रहे, उनको भी ऊपर जाके खोल देता हूँ। तो भाई उनके लिए पानी ले लिया मैंने, उनको पानी दे देते, अब इनको बाजरा भी चारा भी दे दूंगा। वो चारा के बाद छोटे छोटे जो बाजरे के दाने होते हैं, बीज के दाने समझो, एक छोटे से बीज ही है भाई, छोटे छोटे से बीज है, ये तो खा ली उन्होंने। नहीं करो ये तभी मैं पिंजरे में मैंने ताला लगाया इसकी वजह से भाई, ये छेड़ के जाता है, ये इनको खोल नहीं दे तभी डर की वजह से। वो इतने महंगे ना 800 रुपये के, अभी ये घूम गए ना तो भी काम हो जाएगा भाई मेरा, सच में भाई मेरे पैसों का नुकसान हो जाएगा अगर ये उड़ गए तो। वो वापस आएंगे भी नहीं, पता नहीं क्यों छेड़ता है इनको, पता नहीं क्यों। चलो भाई ये रन का खाना, ये कोने में पड़ी, इनकी आवाज़ सही मीठी यार, इनकी माशाल्लाह आवाज़ बहुत प्यारी है भाई। ओए गियर भाई, ये वाइट वाला है ना भाई, ये मारता बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा मारता है ये उंगलियों पे चक मारता है ना भाई, बहुत गंदा, क्योंकि मैंने जब लेके आया था भाई तब भी उसने मेरी उंगली पे काटा। अबे यार ये तो मैंने इनके लिए बाजरा लेके आया, इनका चारा कहाँ गया भाई, इनका चारा नीचे, चारा क्या भाई, छोटे छोटे दाने बीज के वो मैं नीचे ही रखे हुए। ये रहा भाई इनका खाना, अरे अरे भी गिरता, क्योंकि सब इनको खाना दे दूँ भाई, कभी से भूखे। और चूज़ों को भी खोल लूँगा भाई, वो भी कभी से भाई उतावले हुए भाई बाहर निकलने के लिए, लिमिट पे देना पड़ता है, ज़्यादा देंगे ना भाई ये ज़ाया कर देते, वो ये मर नहीं जाए, ज़्यादा देने से ये होता है भाई मर जाएंगे, तो भाई इनका करना नहीं है। क्योंकि इनके पास भी होते हैं ना जो दुकान वालों के पास, तो वो भी लिमिट पे खाना देते हैं, ज़्यादा खाना नहीं देते, क्योंकि उनको पता होता है भाई कि इनको कुछ हो नहीं जाए, तभी वो लिमिट पे देते हैं। इतने सारे होते हैं, थोड़ा सा खाना पड़ा होता है, और पानी भी थोड़ा सा होता है भाई, पानी तो समझो कि कभी कभार आता हूँ मैं देखता हूँ दुकानों में तो पानी होता ही नहीं बिल्कुल भी। और सामने वालों ने भाई मुर्गियाँ पाली, इतनी मुर्गियाँ हैं ना उनके पास बहुत ज़्यादा, समझो जो मुर्गी में पोल्ट्री फार्म इन्होंने पाला है, पोल्ट्री फार्म तो नहीं है मगर उनको शौक है भाई मुर्गियाँ पालने का, मुर्गा मुर्गी उनके पास है। बोलो तो बस भाई उनको भी ऊपर जाके खोल लेता हूँ, तो एक पे सबर, चलो एक पे सबर यहाँ से। ओ अरे भाई 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 ये तो भारी आ गया, अभी खोलना नहीं था भाई, अभी नहीं खोलना था, एक पे सबर अंदर जा भाई, अबे अंदर एक इधर था तो दूसरा आ रहा है, एक पे सबर यार, ये कोई बिल्कुल लड़ाई झगड़े में लग जाते, ऐसे लेके जाता हूँ। चलो 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 इनको ऊपर जाके खोलूँगा, वही सही है भाई, वरना इधर आएंगे ना भाई इनको भी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, नीचे भाग जाते। रुक जाओ तो पहले इनको खोल देता हूँ, फिलहाल जाओ भाई जाओ, अब जाओ भाई, अब आ जाओ आ जाओ, ये आ गया भाई आ गया, दूसरा कहाँ गया भाई, हाँ ये इसको पूरा खोद दिया भाई, अब वो पता नहीं अंदर ही दफन है, अभी उसको पूरा बाहर निकाला था, शुक्र दिखाई नहीं दिया वरना ये निकाल देता बाहर, तो उसको पता नहीं है ना, तभी आधे ज़्यादा मिट्टी से बाहर निकाल दिया यार, अब पूरा बंद करना पड़ेगा वापस से मिट्टी डाल के। हो रहा तो भी बाजरा दे देता हूँ, तो चलो भाई ये नहीं मुड़ गया। तो भाई इधर जो मैंने तोते को दफनाया था, सबसे पहला वाला जो मर गया था वाइट वाला, ब्लैक वाले को तो फेंक दिया था घर वालों ने, तो मुझे पता ही नहीं चला। ये नहीं कर दे रहा हूँ मैं, सब करो आ जाओ आ जाओ, तो पहले इधर खोल लिया, तब खुद ही आ जाएंगे भाई, खुद भागते भागते आ जाएंगे। तो पहले वाले को तो मैंने पहले वाला तो वो कचरे में फेंक दिया था, मुझे पता नहीं था घर वालों ने फेंक दिया था, फिर दूसरा वाले को मैंने दफना दिया था। तो ये बाजरा लेता हूँ, इनको दे देता हूँ, ये मिट्टी भी खेलते ना, मिट्टी भी खालते, फिर इधर दे देता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई इधर आना, उधर क्या खा रहा है यार, उधर जाओ वो खाओ, फिलहाल ये खाने में लगे हुए भाई, उनको भी मैंने खाना पानी दे दिया।
और देखो सब वो शोपड़ी बंद कर दो। ये देखो भाई ये चीलों का डर है, ये देख रहे हो, ये चील देख रहे हो, अभी चीले आनी शुरू हो गई भाई, अभी आनी शुरू हो गई है। मगर ये अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि चीले उनको लेके जाए, लेके चले जाएंगी भाई चीले इनको, क्योंकि इनका अभी इतना वजन नहीं है। हाँ अगर थोड़े मुड़के बन जाते तो तब भाई चीले इनके पास आने से डरेंगी, क्योंकि इनका कद लंबा हो जाएगा तो तभी चीले डरेंगी, और ये लड़ाई भी उस टाइम करेंगे चीलों से, तभी फिर चीले डरती है। जैसे सामने घर में ना भाई उनके पास बहुत सारे भाई मुर्गे मुर्गियाँ बहुत सारे, तो चीले उनके पास आती नहीं, बिल्कुल नहीं आती, वो इनके पास आती है क्योंकि अभी छोटे। और ये तकरीबन एक दो महीने से, अगर तुम मेरे ब्लॉग देखोगे पुराने वाले तो तुम लोग को पता चल जाएगा। चौपड़ बंद कर देता हूँ भाई, वो थोड़ा ऊपर भी फेंक देता हूँ, अगर कबूतर या चिड़िया आती है भाई खाने के लिए तो वो खा ले भाई, थोड़ा बहुत वो भी खा लेंगे भाई, जानवर भी वो भी परिंदे ही है, तो भाई ऊपर थोड़ा उनको दे देता हूँ, चिड़िया या जो भी उन्हें आएंगे वो खा लेंगे भाई, क्योंकि चिड़िया ही कबूतर भाई सीधा ऊपर ही आते ना, तो ऊपर ही दे देता उनको, ये चौकटों में रख देता भाई, आएंगे इधर से ही खाएंगे चले जाएंगे भाई। तो चलो भाई इनके लिए इधर मैंने कोने कोने में डाल दिया, तो चलो भाई चलते नीचे। तो इधर खाने में, अरे भज गया अभी मैं गिरता नीचे, इनकी शोपर बंद कर देता हूँ भाई, वरना ये शोपर फाड़ देंगे ये। अभी इन लोग खा लेंगे, जोहर का टाइम होगा, इनको नीचे जाके बंद कर दूंगा, क्योंकि अभी ऊपर नहीं रहूँगा मैं, चले जाऊँगा, क्योंकि अभी मेहमान भी आने वाले हैं, तो भाई मेहमानों के बच्चे भी छेड़ेंगे, पता है ना भाई मेहमानों के बच्चों के अंदर कितनी मस्ती होती है, तो वो छेड़ते भाई, वो खासकर उनको भी छेड़ते। अब वो एक तोता जो बेचारा गया चला भाई, उसकी तो भाई कबूर का कबूर कह गया, उसकी तो कबर को मैंने फुल बना लिया है, मगर डर है इनका, डर नहीं है इनको, पता नहीं चलेगा, इनको नहीं पता चलेगा, मेरा भाई है ना भाई, उसको अभी पता चल गया सही। अब उसको लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है कि मेरा भाई मना कर रहा है, अब उसको ये भाई जब बच्चों को जिस चीज़ का मना कर भाई वो करके दिखाते, तो बस उस का डर है कि उसको आगे वापस छेड़े नहीं। फिलहाल भाई चलते, धूप इतनी नहीं है, ठंड का ही मौसम है भाई आज। वो सामने देख रहे भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो, वो दिखाई दे रही होंगी, हमारे यहाँ से दिखाई देती क्योंकि हम लोग मेन पानी के साइड में ही रहते। तभी भाई अभी फिलहाल सोच रहा था भाई मैं चूज़ों के लिए भाई एक बहुत बड़ा पिंजरा बनाऊँ, मगर उसके लिए भाई अभी फिलहाल मेरे पास बजट नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है। तो अगर हाँ अगर तुम लोग भाई सब्सक्राइब कर लो, तो अगर हर वीडियो में अगर जैसे कि मुझे यूट्यूब से इनकम आनी शुरू हो जाए, तो भाई मुझे शौक है भाई चूज़ों के लिए भाई पिंजरा बनाने का, जिसमें चूज़े हो परिंदे हो उन चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मगर उसके लिए भाई पैसा होना ज़रूरी है। ऐसी बात है, अगर भाई यूट्यूब का होना शुरू हो गया, यूट्यूब से पैसे आने शुरू होगा इंशाल्लाह, तो भाई मैं बनाऊंगा इनके लिए, ये चूज़ों के लिए बनाऊंगा, उस परिंदों के लिए बनाऊंगा भाई, अलग अलग बनाऊंगा, मुझे इन चीज़ों का शौक है, मुझे बाकी बड़े जानवरों का शौक नहीं है, मुझे चूज़ों का परिंदों का इन छोटे छोटे जो जानवर होते हैं भाई इन का बहुत ज़्यादा शौक है पालने का। अगर तो पैसे बहुत, क्योंकि मैं अपनी गिरेगा भाई गिरेगा क्या कर, अपने आप को नीचे फेंकने में लगा हुआ, इसको पता नहीं इसकी इतनी पतली पतली टांगे ना, गिरेगा भाई नीचे बचेगा भी नहीं, टांगे टूट जाएंगी। ऐसे हमारे दो चूजे थे तकरीबन, वो छोटे छोटे से हम लोगों ने लाए थे, ये तो बहुत माशाल्लाह बड़े भाई, वो तो बहुत छोटे से थे, वो लाए थे उन्होंने अपने आप को नीचे फेंक दिया भाई, इधर से छलांग खाए थे वो, उनकी टांगे भाई टूट बूट गई, मतलब टूट अंदर से टूट गई, हम लोगों को दिखाई नहीं देता, वो लंगड़ा के चलते थे तकरीबन, वो एक दो दिन में मुश्किल से चले, उसके बाद उनका भाई दोनों ही मर गए थे, उनको जैसे बात इतने अजियत में कैसे रह सकते भाई, ख़त्म ही हो गए थे वो बेचारे। ओह ये देखो भाई अब फिलहाल भाई खा ले, वो कहाँ गए वहाँ, ये दिखाई दे रहा कैमरा को ज़्यादा जूम किया भाई, मेरे को ही सही से दिखाई नहीं दे रहा रोशनी की वजह से। छुट्टी का भी दिन है आज, चलो भाई जाके भाई जल्दी से काम भी कंप्लीट करूंगा, होमवर्क कितना मिला है भाई छुट्टियों में, हफ्ता इतवार के दिन भाई कॉलेज वाले इतना काम, स्कूल वाले भी ज़्यादा काम देते थे भाई, कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा काम देते, तो भाई काम कंप्लीट कर लेता हूँ अभी, इनको फिलहाल भाई खाना पानी दे के उसके बाद मैं भी खुद जाऊँगा भाई, आटा भी लेके आना है भाई वहाँ से, आटा लेके सोदा लेके भी घर में आकर अपना होमवर्क कंप्लीट करके आराम से भाई सो जाऊँगा मस्त, भी दोपहर को उठ के वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद उसको शाम तक अपलोड कर लेता हूँ, फिर रात को भी सो जाता हूँ, बस ये मेरी टाइमिंग की रूटीन है। और याद भी मैं तकरीबन कब करता हूँ, छुट्टी वाले दिन तो मैं दोपहर को याद करता हूँ भाई, उसके अलावा भाई रात को याद कर लेता हूँ, या तो कभी करता ही नहीं सो जाता हूँ भाई मैं, तो वो देखो यार मैंने कहा था ना सब भी खा रहे यार, ये मानते ही नहीं भाई, बिल्कुल ही ना मानते वो भाई, वो माशाल्लाह भाई बड़ा हो रहा है, वो देख रहे हो भाई वो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, वो गंदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, निलाता नहीं हो निलाम वाला भाई, वो गंदे नहीं हो बुखार नहीं हो जाए, वो देखो उसको जाने तो भाई, वो इधर ही है। बाकी चीलों की भाई ये देखो भाई, चीलें दिखाई दे रही होंगी भाई, और इधर हमारी सबसे बड़ी बिल्डिंग है भाई, ये देखो भाई हमारे एरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, तो ये खा ले, तो उसके बाद इनका भी बंद कर देता हूँ। दोस्तों आज के इतना है, मिलता है वीडियो में, तब तक दोस्तों अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो का बेल आइकन भी दबा देना, वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।